Hello everyone, this is Shanu Arora. I'm All India Rank 25 in IIT JAM exam, MSc IIT Bombay, a top educator on an academy. So let me just tell you some last few days tips for TIFR written exam. Okay, so ek ye tips bhi ho jayengi aur all the best bhi ho jayega mere students ke liye jo ek saal se TIFR and JAM exam ke liye prepare kar rahe hain. Okay, so let us begin with some tips and all the best views on that. So last few days tips for written exam. Pehli tip yahi hai ki revise what you have studied earlier only, prefer short notes only. Ab zyada days to nahi reh gaye, kuch hi din reh gaye hain TIFR exam mein. So try kare ki jitna zyada aapne jo pehle pichle ek saal mein pichle 6 mahine mein jo bhi padha hai sirf usi ko revise kare aur prefer kare ki short notes hi revise kare. Theek hai, zyada detail padhne pe na jaye abhi. Because कुछ ही दिन रह गए हैं तो अब कोई टाइम आ गया है कि जितना भी आपने जो है पढ़ा है उसको अपने माइंड में बिठाने का टाइम आ चुका है. तो रिवाइज़ करें, जितना आपने पढ़ा है डिटेल में उसी चीज़ों को रिवाइज़ करें. अगर आपने दो सब्जेक्ट पढ़े हैं दो को प्रिपेयर करें, चार पढ़े हैं चार को करें, पाँच करें पाँच और सात सब्जेक्ट करें फिजिक्स के तो सातों को करें. ठीक है, ज़्यादा पर ना जाएँ कि हाँ भाई सारा सिलेबस कवर अप करना है. नहीं, सारे सिलेबस आप कवर अप करने के चक्कर में रहोगे तो जो आता है वो भी छूट जाएगा. ठीक है, ट्राई करना है कि जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करना. ठीक है, सेकंड टिप यही रहेगी कि प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार ज़रूर एनालाइज करना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार कि एक बार आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज देखना कि उसमें क्या आ रहा है एक्चुअल में. ठीक है, और अपनी स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंग ही बनाना कि मैं सेक्शन ए पहले करना है या सेक्शन बी पहले करना है, कितने मतलब कैसे क्या करना है, कौन से में मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है कौन से में नहीं नेगेटिव मार्किंग है. एक बार प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर आपको एनालाइज करना है. ठीक है, थर्ड टिप है सेक्शन ए में नो तुक्के. अभी मैं अगर करंटली बात करूँ तो सेक्शन ए जो है नेगेटिव मार्किंग होता है और सेक्शन बी में 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है. सेक्शन ए में माइनस मतलब 3 मार्क्स के होता है और -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है. तो सेक्शन ए में कोई तुक्के नहीं मारने हैं, जितना आपको आता है उतना ही करने हैं. और सेक्शन बी में अगर जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है. मेक श्योर आप पहले ही टिक करते हैं उन्हें. ठीक है, टाइम रहते ही कई बार हो जाता है कि पेपर ओवर हो जाता है और हम भूल जाते हैं कि यार वो वाले जो क्वेश्चन थे जिनमें फ्री के मार्क्स मिल सकते थे वो भी आपने छोड़ दिए. ठीक है, तो एक एटलीस्ट अपना थोड़ा गेम प्लान उस हिसाब से बनाना ताकि एक बार आप प्रीवियस ईयर पेपर, इसीलिए स्टेप टू जो मैंने पॉइंट नंबर 2 बताया वो इंपॉर्टेंट है कि एक बार प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर आपको एनालाइज करना है. एक या दो पेपर ठीक है कहाँ मिलेंगे, TIFR की वेबसाइट पर मिल जाएंगे. वहाँ पर आपको सैम्पल पेपर भी और प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना, वहाँ पर आपको एक अच्छे से बिल्कुल आइडिया लग जाए. ठीक है, फोर्थ पॉइंट है टारगेट 50-60% पेपर ओनली. देखो होता क्या है, बच्चा कभी कभार ट्राई करता है कि नहीं सर मुझे तो, मैंने एक साल डेढ़ साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ TIFR की, मुझे तो भाई पूरा 100% पेपर करके आना है. वो अच्छी बात है, आपकी मेंटालिटी सही है, लेकिन टू बी ऑन रियलिस्टिक साइड अगर आप 50-60% भी स्कोर कर देते हैं TIFR के रिटर्न में तब आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी. ठीक है, इतना ही हर साल मैंने देखा है. मेरे टाइम जब मैंने TIFR रिटर्न क्रैक किया था तब भी 50-60% पेपर जिन्होंने अच्छे से किया था उनका हो गया था इंटरव्यू सिलेक्शन, तो आपका भी हो जाए. ठीक है, तो टारगेट ये नहीं करना है कि 100% के चक्कर में आप प्रेशर ले लें बहुत ज़्यादा. नहीं, अपने मन को शांत रखें, हल्का रखें कि यार 50-60% अगर मैं पेपर अच्छे से कर देता हूँ, 50% भी पेपर अच्छे से कर देता हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. ठीक है, इंटरव्यू कॉल लेटर आ जाएगा, इतना यकीन मानना. और मतलब जल्दी जल्दी में या ज़्यादा 100% सही करने के चक्कर में प्रेशर ना ले, प्रेशर लेके बाकी गलत मत कर देना. ठीक है, पहली बात जितने आते हैं, मान लो आपने 4 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो 4 ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन वहाँ पर लगाओ. ठीक है, तुक्के उनमें लगाओ जिनमें हमारे जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है. फिर जब वो आपके जितने आप पढ़ के गए हो, मान लो आप 4 सब्जेक्ट पढ़ के गए, 4 सब्जेक्ट आपने अच्छे से उसमें जब क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और आपके पास टाइम बच रहा है तब दूसरे क्वेश्चन पे जाओ जो आपने ढंग से रिवाइज नहीं किए. ठीक है, तो ऐसे होगा जो कम से कम जो आपको इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हर पेपर में कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं कुछ टफ आते हैं, तो एटलीस्ट आप इजी क्वेश्चंस को तो अच्छे से लगा पाओगे. ठीक है ना, मान लो आपने 4 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो पहले 4 उन्हीं 4 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस करना एग्जाम में, पूरे सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों, उसके बाद उन क्वेश्चंस पे आना जो इनके बारे में आपको कम नॉलेज है. ठीक है, बात समझ में आ रही है. ठीक है, टारगेट मतलब फिफ्थ पॉइंट यही है, बिंदास रहो, चिल रहो यार, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. TIFR एग्जाम में नहीं होगा कोई बात नहीं, IIT जैम दे देना. ठीक है, जस्ट एग्जाम से भी TIFR के आपको एडमिशन्स होते हैं, तो इतनी लोड मत लेना. लोड लेने से कभी भी आपको आउटपुट अच्छा नहीं मिलेगा.
ठीक है, टेंशन फ्री रहो। और बता दिया आपको टारगेट 50-60% ही करना है, रिवाइज कर लो जो अभी तक आपको बताया। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, इसी वीडियो के, तो मैं वहीं पर आंसर दे दूंगा, या फिर अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की नीड होगी उस पॉइंट पर तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर भी दे दूंगा। ठीक है गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी मेरे अन अकेडमी के स्टूडेंट हैं यार, 1-1.5 साल से इस एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं यार, ठीक है, आप सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सभी TIFR एग्ज़ाम क्रैक करें और अच्छे से इंटरव्यू देने जाएं, इंटरव्यू में सेलेक्ट हो। ठीक है, माई बेस्ट विशेज़ आर ऑलवेज विद यू गाइज, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड कीप फेथ इन योर सेल्फ, कीप फेथ ऑन योर टीचर्स, इन्होंने अच्छे से पढ़ाया है, जस्ट रिवाइज देम अच्छे से, आप जितना आप पढ़ सकते हैं उसको अच्छे से रिवाइज करिए, एंड दैट्स ऑल, एंड लेट इट लीव ऑन योर डेस्टिनी, जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू देयर, टाटा, बाय बाय।